हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आफरीन खान। आज मैं आपको इंडोर प्लांट के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड, मेरी बालकनी में जितने भी पौधे हैं सारे के सारे इंडोर प्लांट हैं, और इन सब के पत्तों का यानी कि पीला पड़ना और ग्रोथ का रुक जाना नवंबर दिसंबर के टाइम पे क्यों होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर मनी प्लांट, उसके भी पत्ते पीले हो रहे हैं, और ये है सिंगोनियम, इसके भी पत्ते पीले हो रहे हैं। फ्रेंड, जबकि हम बहुत अच्छे से इनकी केयर करते हैं और फिर भी इनके पत्ते पीले होने लगते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? नवंबर दिसंबर के टाइम पे फ्रेंड ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, यानी कि जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं सबका डॉर्मेंसी का टाइम होता है, उनके सोने का टाइम होता है नवंबर दिसंबर में। ये समर ग्रोइंग प्लांट होते हैं, इसके लिए इनकी ग्रोथ विंटर के टाइम पे रुक जाती है, तो ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और इनके पत्ते कुछ हद तक पीले होकर गिरने भी लगते हैं। तो आप बिल्कुल घबराए ना, आपका पौधा ऐसा होने से मरेगा नहीं, उनके सोने का वक्त होता है इसलिए वो पत्ते पीले करते हैं। कोई कोई पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी फ्रेंड के इंडोर प्लांट को आप विंटर में कैसे केयर करें जिससे आपका पौधा विंटर के टाइम पे ख़राब होने से बच जाए, क्योंकि कई बार होता है विंटर में हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये होता है फ्रेंड ओवर वाटरिंग से, यानी कि हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और बेटाइम में पानी डालते हैं तो हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो इसका मतलब है कि हम जब विंटर के टाइम पर अपने पौधों को पानी देते हैं तो 11 बजे से लेके आप 3 बजे के अंदर पानी दे दें। अभी 3:30 हो रहा है फ्रेंड, मैंने 2 बजे पानी डालना स्टार्ट किया सारे पौधों में, यानी कि छत के पौधे में और जितने भी मेरी बालकनी के पौधे हैं सब में। तो पानी देते देते 1.5 घंटा हो गया फ्रेंड, अब मेरा पानी देने का काम तो हो गया है। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ फ्रेंड कि आप 11 से लेके 3 बजे तक पानी दें, क्योंकि इनके ऊपर जो भी पानी गिरेगा आप स्प्रे जो भी करते हैं पौधों में, तो वो पानी जैसे जैसे धूप रहता है तो पानी वैसे ही मॉइस्चर यानी कि सूख जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पत्तों में भी पानी है, तो ये थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। हमारे पौधों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पत्तों में पानी के रुकने से फंगल इन्फेक्शन होता है फ्रेंड। जैसे कि ये स्नेक प्लांट, इसके बीच में अगर पानी रुका हुआ रहता है फ्रेंड तो ये क्या करता है, यानी कि यहाँ पे पत्तों के बीच में अगर पानी चल जाता है तो हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो इसलिए आप अगर धूप के टाइम पर पानी देंगे 11 से लेकर 3 बजे तक दे देंगे तो दिन भर की धूप में हल्की फुल्की जो भी हवाएँ चलती है धूप रहता है इसमें आपके पत्तों का जो भी पानी रहता है मॉइस्चर रहता है वो सूख जाएगा और शाम तक थोड़ा ड्राई हो जाएगा फ्रेंड। तो आपके पौधों में पत्तों में फंगल इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहेगा और आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। सिर्फ इतना ही करना है फ्रेंड, और इनको कोई अभी खाद वगैरह नहीं देना है। जैसा समर आएगा यानी कि फरवरी जैसा स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपको खाद देना है। मेरी बालकनी में ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं आती है फ्रेंड, बहुत कम लाइट आती है, फिर भी मेरे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इनको तो और कम पानी देना पड़ता है। तो पानी कम देने के चक्कर में मैंने एक गलती कर दी फ्रेंड, ये है क्रोटोन का प्लांट और इसमें मैंने पानी नहीं दिया, सोचा ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो इसमें अंडर वाटरिंग हो गया। अब मैंने पानी दिया है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसमें अंडर वाटरिंग हुआ है कैसा पता चलेगा, इसके पत्ते नीचे की ओर चले गए हैं, इससे पता चल रहा है कि इसमें अंडर वाटरिंग हो गई है। तो आप अपने पौधों में अंडर वाटरिंग भी ना करें, ओवर वाटरिंग भी ना करें। 1 से 1.5 इंच तक जब पॉट की मिट्टी इस तरीके से सूख जाती है फ्रेंड तब इसमें पानी दें। ये एग्लोनिमा का प्लांट है, आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा सूखी हुई है। तो मैंने अभी भी आज भी इसमें पानी दिया है, मैं कल इसमें पानी दूंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी केयर से हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इंडोर प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसका सिर्फ एक ही काम है फ्रेंड कि इनको बहुत अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए। फिर भी यहाँ पे ब्राइट लाइट तो है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फिर थोड़ी सी सिंपल केयर से हमारा प्लांट विंटर में भी बच जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखें, इनको पानी सही टाइम पर दें, और तो बस इतना ही केयर करना है फ्रेंड। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।